हाय गाइस, आ गए हम लोग फिर से एक बार और आप लोग भी आ गए। स्वागत है आप लोगों का। और चलते हैं फिर आज की रेसिपी पे। क्या रेसिपी आज देखते हैं, क्या बन रहा है और कुछ खास बन रहा होगा। चलते हैं और फिर मज़ा लेते हैं। चलिए मेरे साथ एंजॉय कीजिए गाइस। अब देखते हैं आज की रेसिपी यहाँ पे। तो बताइए आज की क्या क्या रेसिपी बनने जा रही है और आज की रेसिपी क्या है। आ गए हम लोग फिर से एक बार इस नई रेसिपी की ओर। ये बंगाली रेसिपी है और इसका बंदा गोभी के साथ सब्जी बनेगा। मछली का मुंडी है और ये सब इसके इसको फ्राई के लिए जाएगा ये मुंडी। और मसाला डालेंगे हम इसमें। किसलिए डालोगे? ये सब्जी के लिए मसाला डालेंगे, तैयारी होगी। इसमें क्या पेस्ट बनाना है? इतना सा अदरक और एक गच्छा लहसुन और ये मिर्ची और थोड़ा सा तेज पत्ता, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, बस। पेस्ट के लिए डालेंगे। और जो ये मुंडी है तो इसको स्वाद अनुसार हल्दी नमक इसमें लगाना है। ये फ्राई के लिए डालना है इसको। बैठाल दिए कढ़ाई डालना है को बोला तुम तेल में छोड़ रहे हैं। इसको पलटाना है। मसाला का पेस्ट तैयार हो गया है। थोड़ा सा पलटाएंगे, अब निकाल देंगे इसको। मछली का मुंडी हल्का सा जीरा है, छोड़ना है कढ़ाई पे। डालना है कढ़ाई पे एक हरी मिर्च। मसाला छोड़ना है, पेस्ट बनाया था जो। नमक डालना है स्वाद अनुसार। टमाटर डालना है। मिला ले जाओ। जल्दी बनाओ। हाँ, ढक देना है। मछली का माथा है, मछली का माथा जो है उसको अच्छा से मिला लेना है तोड़ के। कम आंच में इसको ढक देना है 2 मिनट के लिए। रेसिपी तैयार है।
आपको रेसिपी तैयार है। अब बन गया है, ऑफ कर दें। चलिए सर्व कीजिए। अमेजिंग, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है ना, मजा आ गया। नाम बहुत टेस्टी है और मजा भी आ रहा है। टेस्टी बना ये, मतलब कि फिश हेड है और कैबेज, ग्रीन कैबेज और फिश हेड है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, टेक्सचर, फ्लेवर, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, मजा आ गया। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और ऐसे नई नई वीडियो पाने के लिए, नए नए एंटरटेनमेंट वीडियो, कुकिंग शो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। एंजॉय कीजिए खाना और खाते रहिए और रेसिपी को घर में बना के खाइए। एंजॉय फिश।